200 ग्राम भी अर्जुन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 230 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल होते ही रो पड़े अर्जुन तेंदुलकर, लेकिन अपने बयान में मैदान में आकर खेलने पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार अर्जुन तेंदुलकर ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर को मैदान में खेलने का एक भी मौका देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, चंद महीनों के बाद आईपीएल 2023 का आगाज हो जाएगा, लेकिन इस बार का आईपीएल कोई मामूली आईपीएल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जिस आईपीएल की मिनी ऑक्शन में दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेटर बिक जाए, उस आईपीएल के बारे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ऊपर से आईपीएल 2023 महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान कप्तान का आखिरी सीजन होगा आईपीएल का, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस बार के आईपीएल के सीजन को लेकर दिलचस्पी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ऊपर से दोस्तों जोफ्रा आर्चर, बेन स्टॉक्स जैसे सभी अनअवेलेबल खिलाड़ी भी इस बार के सीजन में हमें चार चांद लगाते नजर आएंगे और बुमराह तो कमबैक करेंगे। ऐसे में दोस्तों आईपीएल का रोमांच दोगुना नहीं 10 गुना होगा, ये तो क्लियर गारंटी है। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसे खेलता हुआ तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन खराब प्रदर्शन करते हुए नहीं। आपने सही पहचाना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की। दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर वो खिलाड़ी हैं जो अब तक अपनी परफॉर्मेंस से किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों वक्त बदल चुका है और अर्जुन तेंदुलकर ने अभी हाल फिलहाल में जो किया है वो तो बड़े से बड़े दिग्गज नहीं कर पाए हैं। दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी में डेब्यू किया गोवा की टीम की तरफ से, और क्या खूब डेब्यू किया। आपको बता दें रणजी में डेब्यू करते हुए दोस्तों इस खिलाड़ी ने शतकीय पारी खेली और वो कारनामा कर दिया जो कभी 37 साल पहले 16 साल के सचिन तेंदुलकर ने करके दिखाया था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, अर्जुन ने शतक लगाया है और इतना ही नहीं इस मैच में 3 से 4 बड़े विकेट भी लिए, जिसके बाद आईपीएल में उनके खेलने के चांसेस 2 गुने नहीं 100 गुना हो चुके हैं। दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर का मुंबई इंडियंस की टीम ने पूरे 30 लाख रुपए की बकाया रकम अदा करके खरीदा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बिडिंग करके उनका थोड़ा बहुत मजाक जरूर बनाया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काकई में काबिले तारीफ है। लेकिन मुंबई से खेलने पर भावुक अर्जुन ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर ने रोते हुए अपने बयान में कहा, मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़े रहना ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस बात में कोई शक नहीं कि आईपीएल में खेलना किसी भी खिलाड़ी की तरह मेरा भी एक सपना ही है, लेकिन मैं जानता हूँ मुंबई इंडियंस की टीम में जगह पाना भी बहुत आसान तो नहीं होता। मुझसे ऊपर दर्जे के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, केवल इस टीम से जुड़कर ही बहुत ज्यादा खुश महसूस करता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इस बार मैं इतना काबिल बन जाऊँ कि एक मैच खेलने का मौका मिल जाए। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा ही प्रदर्शन करता रहूँ तो वो एक दिन जरूर आएगा जब मुझे MI से खेलने का एक मौका तो मिलेगा। दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस में फिर से चुने जाने के बाद भावुक जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना को भी जाहिर किया है। वो चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस से एक मैच तो खेलने को मिल जाए, पिछले साल तो वो केवल पानी भरते रहे थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को एक मौका देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।